भैया आगे नहीं भैया काट पीट करेंगे तो नरेंद्र मोदी कन्हैया लाल जावा बधाई हो भैया लोग थोड़ा सा पीछे हो जाइए कन्हैया लाल गुप्ता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वाराणसी। हम लोग जो है गांधी जी नरेंद्र मोदी जी जो देश नहीं पूरे दुनिया के नेता हैं और जिन्होंने इस कॉरिडोर को इस आतताइयों से मुक्त कराया हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कितना बड़ा कॉरिडोर बन जाएगा जो भारत में नहीं पूरे दुनिया में नाम करेगा हम लोग ऐसी कल्पना नहीं थी। हम लोग इसीलिए ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जो यहाँ के सांसद हैं उनके जिंदगी के 72वां वर्ष में हम लोग दशाश्वमेध घाट पर गरीबों को मिठाई वितरण किए हैं, बाबा धाम में हम लोग बाकायदा रुद्राभिषेक हुआ है और इसके बाद सारे जगह हम लोग सारे साथी हमारे सब जगह मिष्ठान वितरण कर रहे हैं पूरे बनारस जनपद में। और हम लोग यही कामना है कि बाबा विश्वनाथ जिनको उन्होंने मुक्त कराया है वह आज खुद इतना बड़ा आशीर्वाद दे दें आदरणीय मोदी जी को कि पूरे दुनिया में उनका इसी प्रकार से नाम चमकता रहे। वह 72 साल हुआ है, हम लोग चाहेंगे 100 साल तक वह जिंदा रहे देश का सेवा करते। अंदर विश्वनाथ जी दो है किसकी उद्राभिषेक की है आपने? हम लोग विवादित विश्वनाथ जी एक कैसे दर्शन करते हैं? नहीं, हम लोग विश्वनाथ कॉरिडोर है अंदर वाला जो सोने से लड़ा हुआ है उसके बगल वाले में हम लोग बैठते हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को काशी के जनता को बाहर दिया था उसी के उपलक्ष्य में आज आप लोग 72 किलो का जो है कि मिठाई जी और आगे के क्या कुछ कार्यक्रम? नहीं, आगे कार्यक्रम देखिए हम लोग यह है कि हम लोग दशाश्वमेध घाट पर गरीबों को जो है हम लोग वहाँ मिठाई और जो हम लोग के पास सामर्थ्य है उनको जो है पुस्तक किताब कलम यह सब हम लोग वितरित हो रहा है, बैग यह सब वहाँ वितरित हो रहा है। हम लोग यहाँ तो आपके सामने है ही है, अब इसके बाद जो है गरीबों को अस्पतालों में भी फल वितरण किया जाए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।